दोस्तों, इस समय भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसका अपना देश छोड़ना पड़ गया है और अब वह भारत में शरण ले चुकी है। उनका विमान 5 अगस्त 2024 की शाम को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। हालांकि वह कितने दिनों तक यहां पर रहेंगी इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वो यहां से अब लंदन के लिए रवाना हो सकती है। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के सबसे इफेक्टिव लीडर्स में से एक गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा भी कहा जा रहा था। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट के लिए भारत और चीन उन्हें लुभाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि लगातार 15 सालों से सत्ता पर काबिज शेख हसीना खुद अपने देश में सुरक्षित नहीं रही और उसे भारत आना पड़ा। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और उसके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बना रही है। हालांकि इससे भारत को नुकसान है या फायदा, यह तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के वीडियो में हम आपको यह जरूर बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री रहते हुए अपना देश छोड़ना पड़ गया। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की हम आपको 3 वजह बताएंगे, जिसमें से पहली वजह है आरक्षण के मुद्दे पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला। दोस्तों, इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि बांग्लादेश साल 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ था। इस कोटा सिस्टम में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया था, जिसके बाद सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई थी। इस कोटा सिस्टम का विरोध हुआ और फिर 5 सालों के बाद साल 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इस फैसले से सामान्य छात्रों को थोड़ा फायदा मिला और उनके लिए सीटें 20% से बढ़कर 40% हो गई, जिसके बाद फिर साल 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% का कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए सीट अब 40% से बढ़कर 45% हो गई। यह कोटा सिस्टम लागू होने के बाद शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था। कुछ सालों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी, जिसका फायदा जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिलने लगा। हालांकि साल 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा था। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। फिर साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% का कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके बाद फिर अब 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, फिर उसे उसी तरह से लागू किया जाए, यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 44% और बाकी के लिए 56%। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। इस तरह से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2018 में आरक्षण पूरी तरह से खत्म होने के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन जब इसे बहाल करने की बात हुई तो यह आंदोलन हिंसक हो गया, जो कि शेख हसीना के लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी वजह पर और यह है शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को गद्दार और देशद्रोही कहना। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या राजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। अब राजाकार शब्द के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने उस सरकारी टीवी के बिल्डिंग में आग लगा दी, जिससे पीएम शेख हसीना ने इंटरव्यू दिया था।
ढाका यूनिवर्सिटी में तुम कौन गद्दार गद्दार के नारे गूंजने लगे, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और इनमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने आंदोलन करने वालों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेख हसीना को भारी पड़ गया। रजाकार का मतलब वैसे तो साथ देने वाला होता है, लेकिन बांग्लादेश में इस शब्द को गद्दार या फिर इससे भी भद्दी गाली के रूप में देखा जाता है। फिलहाल आप इतनी ही बात ध्यान में रखिए। वैसे रजाकार शब्द बांग्लादेशियों के लिए गद्दार और गाली कैसे बन गया, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो कि काफी दिलचस्प होगी। दोस्तों, अपने इस बयान से पहले शेख हसीना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया के निगाह में आ जाएगा। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। यहाँ से प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इसी तरह के बयान देकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और ज्यादा भड़का दिया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा, रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा, रजाकारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं के ऐसे बयानों से उग्र हुए छात्रों का प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया, जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार जिन्हें गद्दार यानी कि रजाकार साबित करना चाहती थी, वे जनता की नजरों में अब हीरो बन चुके थे। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की तीसरी वजह है आंदोलन में मारे गए छात्रों की मौत पर चुप्पी साधना। शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई 2024 को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आई। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर एक बार कुछ कहा तक नहीं। जून महीने में उस आंदोलन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजुमदार नाम के 3 शख्स घायल थे और अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे। उन तीनों को वहां से भी उठा लिया गया, जिसके बाद इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये 6 स्टूडेंट लीडर सरकार के कैद में थे, तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है, लेकिन जब मामला खुला तो आंदोलनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, जिसके बाद आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, जिसे शेख हसीना की सरकार के लिए संभालना संभव नहीं हो पाया और आखिरकार उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। दोस्तों, ये तो 3 प्रमुख वजहें थी शेख हसीना के अपने देश छोड़ने की, लेकिन इस मामले की और भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे कि सिर्फ रजाकार नाम का एक शब्द कैसे बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया, और पिछले साल हुए चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को 300 में से 224 सीटें मिली थी और यह सरकार प्रचंड बहुमत की बनी थी, फिर इस सरकार के साथ यह नौबत क्यों आया। इन सभी टॉपिक्स पर आगे बेजोर वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोर जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।